हे नमस्कार दर्शक बंधुओं, मैं सोमन। तो आज की इस वीडियो में आप सभी दर्शक बंधुओं को बताएंगे कि मैंने जो पिछला जो वीडियो अपलोड किया था डीएनए को लेके, तो बर्ड्स का कैसे डीएनए कराना है, कैसे फीदर सैंपल भेजना है, कैसे कुरियर करना है पोस्ट ऑफिस में जाके या प्राइवेट किसी, जैसे कि मैं प्राइवेट करता हूँ, फ्लाइट से जाता है, बहुत जल्दी जल्दी वो लैब में पहुँच जाता है, ठीक है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि कौन से एड्रेस पर भेजना है, नंबर क्या है, टोटल प्रोसेस क्या है। देखिए पार्ट्स आएगा, पार्ट्स बाय पार्ट्स वीडियो आएगा। सैंपल भेजने का वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है, फेदर कैसे लेना है, बर्ड्स का प्रोसेस वो फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट पार्ट में दे दिया है। वो आपने अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं नहीं देखा तो। ये सेकेंड एपिसोड, सेकेंड पार्ट, इसमें मैं क्या करूंगा, उन लोगों के पास वो पहुंच गया है कि नहीं उनको मैसेज करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। उनका एक नंबर होता है, कस्टमर नंबर, तो जो वो लैब को हैंडल करता है, ठीक है, देखभाल करता है, तो उनको मतलब कि कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पे हाई लिखेंगे, पूछेंगे कि मेरा आप मेरा नाम का एक आप मतलब फेदर सैंपल भेजा था बर्ड्स का, वो आपके पास क्या पहुंचा है। वो बोलेगा भाई किस तरह का दिखता है, कोई पिक्चर वगैरह लिया है। तो जब मैंने वो भेज रहा था, ठीक है, कोरियर से, तो मैंने एक पिक्चर ले लिया था उस पोस्ट, मतलब वो जो मेरा लेटर था, लेटर में जो घुसा रहा था ना फेदर सैंपल, तो उसका पिक्चर था। तो वो पिक्चर एड्रेस वाला उनको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, ताकि उनको ढूंढने में बहुत सारा लेटर आता है, बहुत सारे फेदर सैंपल आते हैं उनके लैब में, तो इसलिए ढूंढने में उनको आसानी होगी कि ये वाला है सोमन पाल का, ठीक है, पेट सैंपल। तो वो उनको मिल जाएगा, मैं उनको बोलूंगा जब, तो वो दिखाएंगे कि भाई ये वाला है, हाँ। तो वो उसमें जो रिंग नंबर मैं भेजा था, वो रिंग नंबर, मेरा नाम, मेरा फार्म का नाम, ठीक है, बर्ड्स का नाम, वो लोग एसएमएस करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का एक एसएमएस है, वो लोग एक देते हैं, देखिए भाई हमारा आपने जो फेदर सैंपल दिया था वो फेदर सैंपल रेडी हो चुका है, मिल चुका है हम लोगों को, सबूत के तौर पे वो लोग इस तरीके का एक मतलब एक व्हाट्सएप पर भेजते हैं या एसएमएस कर देते हैं या फिर कॉल करके आपको बता देंगे कि भाई देखिए ये बर्ड्स का रिंग आईडी था, बर्ड्स का ये नाम था, आपका ये नाम है और आपके फार्म का ये नाम है। तो मैं बोलूँगा हाँ भाई यही है, यही मैंने आपको भेजा था सब कुछ। तो उन लोग बोलेंगे ठीक है भाई, कुछ टाइम, कुछ घंटों के बाद, 10-12 घंटे के बाद हम लोग इसे टेस्ट करते हैं और मेल और फीमेल क्या है आपको बताते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद 10-6 घंटे वेट कर, 10-8 घंटे शायद हो गया, वेट करने के बाद उन लोगों ने फिर से बोलेंगे कि आप अकाउंट में पैसा डालिए। तो वो लोग ये अकाउंट नंबर वो लोग दे देते हैं जो करंट अकाउंट है, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट में मैं पैसा डाल दूंगा, वो लोग बोलेंगे एक फेदर सैंपल का 250 रुपये हम लोग लेते हैं, अगर आप ज़्यादा करते हो 220, 240, 230 करके भी हम ले सकते हैं, ठीक है, 230 करके शायद वो लोग ले लेते हैं अगर ज़्यादा आप भेजते हैं तो। तो मैं तो भाई एक दो ही भेज रहा हूँ, 230 या 240 शायद लेते हैं, ज़्यादा अगर आप भेजते हो तो। मैं तो दो सैंपल भेजा हूँ, तो मुझे तो 500 रुपये ही देना है 250 का, एक सिंगल पीस डीएनए सैंपल का, तो फेदर सैंपल का, तो मैं 500 रुपये उनके अकाउंट में डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने डाल दिया है, उनको बता दूंगा व्हाट्सएप पे या कॉल करके, भाई मैंने आप अपना अपडेट जो है बैंक स्टेटमेंट अपडेट करके देख लीजिए, कि अगर आपका नेट बैंकिंग है तो वहाँ से देख लीजिए, भाई मैंने भेज दिया है। वो लोग पूछेंगे कौन से नाम से, मैं बोलूँगा सोमन पाल मेरा नाम है, मेरा अकाउंट नंबर लास्ट में है, मैंने भेजा है आपको, ज़रा चेक कर लीजिए। वो लोग चेक करेंगे, हाँ हमें पैसा मिल गया है, वो लोग ऐसे SMS भेज दे थैंक यू वाला। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो लोग फिर से एक PDF फाइल ऐसा भेजते हैं, इसमें PDF फाइल में होता है कि मेल और फीमेल जो रिंग आईडी, बर्ड्स नेम, फार्म नेम, मेरा नाम सब लिखा होगा उसमें, और एक ऑप्शन ऐड होगा जो मेल और फीमेल बताएगा कि कौन से रिंग का मेल है, कौन से रिंग का फीमेल, ये बताएगा, ठीक है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको टोटल जो बात है ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्या करना है, आशा करते हैं कि पसंद आया होगा। और थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट में आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो रिपोर्ट कार्ड होता है, SMS में तो वो लोग मेल फीमेल बता देते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड होता है, मतलब जो DNA रिपोर्ट, ठीक है, वो रिपोर्ट कितने दिनों में आता है ये भी आपको बताएंगे, वो लोग कुरियर करते हैं और आप हमारे घर पे पहुंच जाता है, वो किस तरीके का दिखता है, कैसे होता है, पूरा प्रोसेस वो थर्ड पार्ट में दिखाएंगे। फिलहाल तो फ्रेंड्स ये सेकेंड एपिसोड है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कैसे क्या DNA का प्रोसेस है, कैसे क्या कराना है, एकदम करके सिंपल तरीकों से, मतलब एकदम सिंपल तरीकों से आप लोगों को दिखाया, कोई एकदम मतलब जटिल तरीका ये नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे जटिल करके बताते हैं, आप खुद से अपने हाथों से खुद से DNA करा सकते हैं आपके जितना भी बॉर्डर को, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पेट्स एम्पायर, और नया साल में
खुश रखिए, खुश रहिए। बहुत सारे बर्ड्स खरीदिए, मैं यही बोलूंगा, बहुत सारे बर्ड्स खरीदिए, बहुत सारे बर्ड्स का ब्रीडिंग कराइए, बच्चा लीजिए, नया नया बच्चा नया साल में आएगा, सभी लोग बहुत सारा एंजॉय करेंगे, बहुत सारा घूमिए, ट्रैवल कीजिए बहुत सारे, और पेट संपाय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग डीएनए कराना चाहते खुद से, ठीक है।